कराची में बारिश से नशेबी इलाके पानी पानी, शाहराए फैसल, सदर शाह फैसल, एयरपोर्ट मलीर, नॉर्थ कराची, सोराबगोट और दीगर इलाकों में बादल बरसे। सुरजानी में सबसे ज्यादा 36.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बिल्चने हदीद में 32, कायदाबाद में 28 मिलीमीटर बारिश। प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी, खुलने वाले स्कूलों में हाजिरी इंतहाई कम रही। कराची में बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। मुतादद फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों की बिजली बंद। करंगी बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। मुल्क भर में बादलों की झड़ी लग गई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर, डीआई खान समेत कई इलाकों में बारिश। लाहौर में 100 से ज्यादा बिजली के फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों की बिजली बंद। हैदराबाद, सखर, लाड़काना और दीगर इलाकों में भी बारिश। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश। गवादर और तुर्बत में सैलाबी सूरत हाल का सामना। पाक फौज और एफसी के दस्ते इमदादी सरगर्मियों के लिए पहुंच गए। पसनी, पंजगोर, जीवनी में मुतासरीन में गजाई और दीगर अशिया फराहम। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ सफेदी से ढक गए। आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में रास्ते ब्लॉक, लोग घरों में महसूर। कालाम में रिकॉर्ड 16 इंच बर्फबारी। मालम जब्बा में 12, चित्राल में 1 इंच बर्फ पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कैंट बोर्ड्स को निजी स्कूल सील करने से रोक दिया। कैंटोनमेंट इलाकों से प्राइवेट स्कूल्स की बेदखली के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया गया। मुल्क भर के कैंटोनमेंट बोर्ड्स को नोटिस जारी। सिंध में 21,310 से ज्यादा आसामियों पर भर्ती का हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने सिवा टेस्टिंग सर्विसेज को भर्तियों के अमल से रोक दिया। एमक्यूएम की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया गया। कराची में बारिश के बावजूद जमात इस्लामी का धरना छठे रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि काला कानून वापस लेने तक धरना खत्म नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी सदारत करेंगे। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक, सियासी सूरतेहाल और पार्टी की तंजीम साजी पर मुशावरत होगी। इमरान खान का करप्शन से आलूदा भयानक चेहरा सामने आया। करप्शन के खिलाफ नाम नहाद मुहिम की आड़ में मुल्क को लूटा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान ने सच बोलने का हल्फ उठाकर पार्टी अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए। इमरान खान को जबरदस्ती का ईमानदार साबित करके कौम पर मुसलत किया गया। अब हिसाब देने का वक्त आ चुका। कायदे अवाम और पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 94वीं सालगिरह। गढ़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के मज़ार पर कुरान खानी। जियालों की छोटे बड़े शहरों में तकरीबात की तैयारियां, केक काटे जाएंगे। वजीर आजम ने गैर मुल्की सफीरों की वुजरा से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी। सफीरों को वजारत खारजा से इजाजत के बाद वुजरा से मुलाकात करना होगी। विफाकी काबीना इजलास में वजीर आजम की वजीर खारजा को हिदायत। कराची में ओमिक्रोन के मजीद 32 केस, तादाद 124 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के 898 नए केसेस रिपोर्ट। शराय का 0.8%, 5 अफराद जान की बाजी हार गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद को फिर कोरोना हो गया। कजाकिस्तान की नाहल हुकूमत फारिग। सदर कासिम जोमरात ने हुकूमत तहलील कर दी। आपको बताया चले कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पुरतशद मुजाहरों के बाद सदर का ये इकदाम सामने आया।